देश के युवा लोकप्रिय संत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, वे इन दिनों दिल्ली से सटे बुलंदशहर जिले के छतारी जैसे छोटे से कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा करने पहुंचे हैं। इस कस्बे में बागेश्वर धाम सरकार की श्रीमद् भागवत कथा के लिए एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कथा का आगाज 8 दिसंबर से हो गया, जो 14 दिसंबर तक चलेगी। इस कथा के पहले जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छतारी कस्बे में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सड़क पर दोनों तरफ कलश लेकर खड़ी महिलाएं, हजारों की तादाद में श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लेकर उनका स्वागत करते नजर आए। इस दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की गाड़ी के आगे और पीछे भी श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। ढोल नगाड़े बजते रहे और जय श्री राम के नारे लगते रहे। इस भव्य और दिव्य स्वागत के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छतारी में कथा का आगाज कर दिया है। ये कथा 14 दिसंबर तक इसी तरह चलेगी और इस कथा को सुनने के लिए दिल्ली, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश के आसपास के कई जिलों के लोग छतारी पहुँच रहे हैं। Get him!